हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं चाय के साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, चाय बन चुका है और मैं अपने लिए चाय बनाई थी। उसका पापा तो नहीं थे, ड्यूटी चले गए, क्योंकि आज सैटरडे उनका मॉर्निंग ड्यूटी था। तो यहाँ पे चाय बन चुका है फ्रेंड्स, आइए आप सभी खा लीजिए। तो मैं इसको यहाँ पे खेल रही है 2-3 दिन के बाद, मतलब आज मैं इसको थोड़ा ठीक लग रही थी तो खेल रही थी। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पर्स के साथ खेल रही है। मैं जब भी पर्स निकालती हूँ तो उनसे छीन लेती है। और यहाँ पे खेल रही थी, तब तक सोचे कि चलो खेल रही है, जब तब तक मैं नाश्ता कुछ बना देती हूँ। तो चीकू बोला कि आज मम्मी मेरे पसंद का बनाई है, तो मैं बोली ठीक है चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आटा है और ये रावा जिसको सूजी बोलते हैं, और एक प्याज है, एक मर्चा है, और थोड़ा सा इसमें मैं ग्रेल डाली हूँ, और इसको मिक्स करके बेटर आता। तो बेटर को फ्रेंड अच्छा से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और सूजी इसलिए डालते हैं फ्रेंड ताकि क्रिस्पी थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, और बच्चा लोग भी बहुत पसंद करते हैं खाने के लिए। तो चीकू को जब भी मन होता है तो बोलता है मम्मी बना दो यही। तो मैं सिंपल ही, मतलब एक प्याज और एक मर्चा ऐसी कट करके बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ढक दी थी, तो 15 मिनट बाद देखिए बेटर कुछ इस तरह है। तो देखिए यहाँ पे तवा गरम हो चुका है फ्रेंड्स। तो तवा जब गरम हो ना तो बेटर तभी डालना चाहिए ताकि मतलब उस पर चिपके ना। तो यहाँ पे देखिए डाल दी हूँ बेटर को, और अच्छा से एकदम गोल बनाऊँगी, और बहुत आसानी से फ्रेंड्स निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब चिपक जाता है, नहीं, मतलब बस तवा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरह इसी प्रोसेस के साथ मैं बना लूँगी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ब्राउन हुआ है। तो ऐसे ही करके मैं सारा इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मेरे यहाँ तो बिहारी भाषा में छाछ ही बोलते हैं। तो सिंपल ही रेसिपी है फ्रेंड्स, तो बच्चों लोग को ज़रूर आप सभी बनाकर खिलाइएगा, बहुत पसंद से खाते हैं। और इसके साथ सिंपल ही ऐसे ही खा सकते हैं, और मेरा चीकू तो ऐसे ही खा लेता है। यहाँ पे इसी प्रोसेस के साथ मैं सारे को बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बन चुका है। तो मैं चीकू के लिए निकाल लेती हूँ, उसको भूख लगा था तो बोला कि मम्मी हमको खाना चाहिए। तो मैं बोले ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निकाल रही हूँ, तब तक दोनों भाई बहन खेल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं, और मिसका को देखिए देखिए भाग गई इसको। मिसका डरती बहुत ज़्यादा है, और ये जो गोल गोल घूमता है इसमें थोड़ा कुछ म्यूजिक है। और देखिए कितनी अच्छी है क्वीन, कितनी अच्छी लग रही है परी, गोल गोल घूम घूम के अपना म्यूजिक करती है, दिखाती है। यहाँ पे देखिए डर रही है मिस को। तो यहाँ पे मैं चीकू को खाना दे दी हूँ, और ये दही के साथ खाना चाहता था तो मैं इसको दही के साथ दे दी खाने के लिए। देखिए बता रहा है मम्मी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मिस्कू भी है, तो मिस्कू को भी खिला रहा है। तो बहुत दिनों बाद फ्रेंड्स, 1 हफ्ता के बाद मिस्कू आज कुछ मुंह में ली है, और यहाँ पे खा रही है मिस्कू। दोनों भाई बहन खा रहे थे। तो मेरा सुबह का झाड़ू पोछा काम सब हो चुका था, तो केवल कपड़ा धुलने के लिए बाकी था। तो मैं सुबह ही नहा चुकी थी, तो मिस्का थोड़ा सा परेशान कर रही थी आज, मतलब बहुत कम की। लेकिन 1 हफ्ता से तो मेरा जो हाल हुआ है ना फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन खा रहे थे, तो सोची मैं भी चलो खा लेती हूँ इन लोग के साथ। उसके बाद एक काम करूँगी, कपड़ा उपड़ा जो धुलना है उसको धुलूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों भाई बहन कितने प्यार से खा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप सब भी खा लीजिए। तो देखिए इसको मैं खिला रही हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा, कभी खाती है कभी नहीं खाती। इसका जो फीवर से उठी है ना, तो थोड़ा सा नमकीन इसको अच्छा लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खा रही है। और मैं सिंपल ही लेकर बैठी हूँ, मुझे इसके साथ दही अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई अब दोपहर में लंच के लिए। तो लंच में भी चीकू का ही पसंद का बना है, तो बोला मम्मी मुझे सिंपल ही केवल ऐसे ही बना दीजिए खिचड़ी। तो मैं बोली खिचड़ी तो आज नहीं बना पाऊँगी,
ऐसे ही आज सैटरडे है फ्रेंड्स, फिर भी मैं खिचड़ी नहीं बनाई, ऐसे ही मतलब भेज पुलाव की तरह बना दी हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब्जी कुछ नहीं था, तो एक आलू एक प्याज और यहाँ पे तड़का में देखिए दालचीनी जीरा और चटपत्ता का तड़का लगा दी हूँ और थोड़ा सा लहसुन है उसको मैं कद्दूकस करके, और उस पर देखिए मैं तेल भी हो चुका था फ्रेंड्स तो इसको डाल दी, और देखिए गरम था तेल तो जीरा भी ब्राउन हो गया है, और प्याज को डाल दूंगी और आलू को साथ में मिक्सर को अच्छी तरह से भून लूंगी फ्रेंड्स। तो माफ़ कीजिएगा, मैं इसका थोड़ा परेशान कर रही है, और यहाँ पे इसी तरह इसी प्रोसेस के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नमक मैं ऐड कर रही हूँ, तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, जब भी बच्चा को अगर जब भी आप मतलब तो कहीं बाहर जाएं या कहीं जल्दी में हो तो फटाफट बन जाता है, एकदम ईजी है। तो यहाँ पे एक टमाटो भी, और मैं मसाला कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चा को खाना है, तो मैं केवल हल्दी और नम थोड़ा सा एकदम आधा चम्मच मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चावल और दाल को मैं भी डालकर इसको ढक देती हूँ, लगभग 2 सीटी, केवल 2 सीटी होने के बाद देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मतलब बन। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब चावल खिला खिला सा हो गया, और यहाँ पे मैं चीकू के लिए खाना निकाल दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए दही है, दही पे मैं आज चीनी नहीं मतलब मसाला हल्का जो दही वाला मसाला होता है ना, लाल मिर्च काली मिर्च जीरा पाउडर वही है, और यहाँ पे जो तिलौरी पापड़ दिख रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी के घर से लाई हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा घर का बना हुआ है और बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पूरा एकदम खिला खिला चावल नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मिस को खेल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चीकू मुझे बोल रहा है मम्मी बहुत अच्छा बना है, जब भी खाता है तो मुझे ज़रूर ये बोलता है। तो फ्रेंड्स आज का रूटीन मेरा यही था जो मैंने आप सबसे शेयर किया। तो फ्रेंड्स आज मिस का मतलब 2-3 एक हफ्ते से मतलब बिल्कुल आज थोड़ा ठीक लग रही है, थोड़ा सा आज खाना भी खाई है। तो कल मैं डॉक्टर के पास उसको ले गई थी, मतलब घर पे थी अपने मायके में तो भी डॉक्टर के पास ले गई थी, 2 डॉक्टर के पास ले गई थी, और यहाँ पे आई तो चेकअप कराई तो वो मेटी का और इसका जो मतलब बार बार कुछ भी पच ही नहीं रहा था, इसको जो भी खा रहे थे वो वोमिटिंग कर देते थे। तो डॉक्टर के पास ले गई तो दवा तो इसको पच ही नहीं रहा था, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, तो कल से मतलब बेटर है, आज कुछ खेल रही है। और एक हफ्ते के बाद फ्रेंड्स, एक हफ्ते के बाद मिश्रा ने कुछ आज खाया है। तो आई होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। तो और जो भी मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बहुत उम्मीद के साथ मैं ब्लॉग बनाती हूँ ताकि आप सबका ढेर सारा प्यार मिले। तो आई होप आप सबको आज का भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ब्लॉग में। बाय 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 फ्रेंड्स।